पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद के देउस्कर ने शुक्रवार को मालदा मंडल के जमालपुर भागलपुर साहेबगंज खंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भागलपुर जंक्शन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा किया और वहां की यात्री सुविधाओं और अन्य विकास कार्यों का जायजा लिया। महाप्रबंधक ने भागलपुर जंक्शन पर यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं और सेवाओं की समीक्षा भी की और इसे बेहतर बनाने के सुझाव भी दिए। वहीं महाप्रबंधक ने ओएसओपी स्टॉल का भी निरीक्षण किया, जो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए हैं। जिसके बाद रनिंग रूम और कोचिंग सुविधाओं का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। महाप्रबंधक ने कर्मचारियों की सुविधा और आराम के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिसके बाद महाप्रबंधक ने भागलपुर बाईपास लाइन और यार्ड रिमॉडलिंग कार्य का भी निरीक्षण किया और परियोजना के प्रभावी और समयबद्ध पूर्णता के लिए उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जिसके बाद महाप्रबंधक ने विभिन्न यात्री संघों के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं व सुझावों को सुना। वहीं मीडिया से बात करते हुए महाप्रबंधक ने विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने रेलवे के भविष्य की योजनाओं और विकास कार्यों के महत्व पर जोर दिया। मौके पर महाप्रबंधक के साथ पूर्व रेलवे मुख्यालय के प्रमुख अधिकारी और मालदा मंडल के शाखा अधिकारी भी मौजूद रहे। जो भी है चेकिंग का जो शेड्यूल है इसको फॉलो करेंगे। अब वंदे भारत का क्या हो रहा है सर, भागलपुर से चल रहा है? यहाँ पे अभी फैसिलिटी डेवलप नहीं है वंदे भारत के लिए। अच्छा, जब फैसिलिटी डेवलप होगी तो उसके बाद में एक ट्रेन कहाँ कहाँ चौड़ा चाहिए, क्या क्या देखेंगे आप बताइए। अभी हम लोग शुरू किया जमालपुर में, लेता जमालपुर में अमृत भारत स्टेशन का काम अच्छे से चल रहा है। रेल में की सेफ्टी जो सेफ्टी है उसका निरीक्षण चल रहा है साफ तौर पर। हमारे ओईसी का भी निरीक्षण और जो हमारे ट्रैक के जो बैंक से रिलेटेड काम है उनका भी ध्यान दिया जा रहा है। सर सुल्तानगंज उतरे थे, सुल्तानगंज क्या देखे वहाँ, क्या वहाँ पर भी जो कई लोगों की जो फैसिलिटी क्रिएट हुई है उस समय सेटिस्फाइड है और आगे और भी जो एक्सपेंशन कर रहा है उसका हमने प्लान बनाया है, देखेंगे आगे बढ़ाएंगे। भागलपुर में भारतीय स्टेट बैंक ने पुलिस विभाग को एक नया ट्रैफिक पोस्ट सौंपा है। यह ट्रैफिक पोस्ट लोहिया पुल पर स्थित है, जिसका उद्घाटन शुक्रवार को भागलपुर डीआईजी विवेकानंद, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह और भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक प्रशांत प्रभाकर द्वारा फीता काटकर और नारियल फोड़कर ट्रैफिक पोस्ट का विधिवत उद्घाटन किया गया। भागलपुर डीआईजी विवेकानंद ने भारतीय स्टेट बैंक के इस प्रयास की सराहना की है। उन्होंने कहा कि एसबीआई का यह कदम भागलपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि अभी तक बैंक के द्वारा भागलपुर जिले में 2 ट्रैफिक पोस्ट का निर्माण कराया गया है, जो पुलिस के कार्य को सुगम बनाने में सहायक होंगे। वहीं भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक प्रशांत प्रभाकर ने बताया कि बैंक ने अब तक 2 ट्रैफिक पोस्ट का निर्माण कराया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में जरूरत के अनुसार और भी ट्रैफिक पोस्ट का निर्माण किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक पुलिस को ड्यूटी करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। वहीं इस उद्घाटन समारोह में यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने इस पहल की सराहना की और कहा कि इससे ट्रैफिक पुलिस को बेहतर कार्य करने का अवसर मिलेगा। दरअसल नया ट्रैफिक पोस्ट भागलपुर में ट्रैफिक प्रबंधन को और अधिक संगठित और प्रभावी बनाने में मदद करेगा। इसके माध्यम से ट्रैफिक पुलिस को अपनी ड्यूटी के दौरान अधिक सुविधा और संसाधन मिलेंगे, जिससे शहर में यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाया जा सकेगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एसबीआई भागलपुर द्वारा ट्रैफिक पुलिस के ये 2 केबिन जो है वह उपलब्ध कराया गया है और यह सौर ऊर्जा से सभी संचालित रहेगी और इससे ट्रैफिक नियंत्रण में प्रभावी इसका इफेक्ट पड़ेगा और जो हमारे जवान यहाँ पे 24 घंटा कार्यरत रहते हैं, बारिश हो धूप हो कि ठंड हो, उनको एक जगह भी मिलेगी जहाँ पर वह रह करके अपने दायित्वों को मुस्तैदी पूर्वक। भागलपुर पुलिस के द्वारा स्टेट बैंक को शुरुआती दौर में 2 सीएसआर एक्टिविटीज के तहत पुलिस ट्रैफिक पोस्ट मिलने बनाने का आया था। इस पे हम लोग ने गंभीरता पूर्वक विचार किया
एक का इनॉग्रेशन पहले ही घंटाघर चौक के समीप हो चुका है, दूसरा आज यहाँ पर हुआ है। स्टेट बैंक सदैव जो अपने सामाजिक दायित्व को निभाने में आगे रहती है, और जहाँ कभी भी मौका मिला है हम लोगों ने सामाजिक दायित्व से संबंधित कार्य का निष्पादन किया है, क्योंकि पुलिस की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है शहर के प्रशासन को चलाने में। तो हम लोग पुलिस के प्रति भी अपना आभार प्रदान करते हैं कि पुलिस ने हमें मौका दिया कि हम लोग इस तरह के काम को कर सकें। स्वतंत्रता दिवस को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन अभी से ही तैयारी में जुट गया है। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में 15 अगस्त को लेकर जिले के सभी विभागों के पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने 15 अगस्त से पूर्व ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को तैयारी पूरी कर लेने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार 15 अगस्त के मौके पर सैंडिस कंपाउंड मैदान में आकर्षक झांकी निकाली जाएगी और जिले के सभी स्कूलों में अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी, ताकि जो बच्चे हैं वह हमारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जान सके। बैठक में नवगछिया कहलगांव सहित प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। 15 अगस्त आने वाला है और झंडोत्तोलन की संपूर्ण तैयारियां हम लोग अभी कर रहे हैं। इसी के संबंध में अभी विचार विमर्श के लिए बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे समस्त अधिकारी के साथ साथ यहाँ के विभिन्न समितियों के भी सदस्यगण थे, जैसे नागरिक विकास समिति है और अन्य कई समितियों के सदस्य थे। तो हम लोगों ने विचार विमर्श किया है और सभी लोगों को मैंने निर्देश भी दिया है कि काफी अच्छे तरीके से इस राष्ट्रीय स्तर को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। विशेष में इस बार हम लोग एक तो जो प्रभात फेरी है इस पे हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं, दूसरा बच्चों को स्कूल में कॉम्पिटिशन करवा रहे हैं ताकि हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके बारे में डिबेट कंपटीशन हो और बच्चे सभी के बारे में जाने, तो हम लोग इसको विशेष रखेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शाम को। तो बाल बाल झड़ रहे हैं, गंजेपन के शिकार से बचना चाहते हो तो आ जाओ फिर इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन। ये सीधा तिलका मांझी चौक से आपको खानपट्टी वाले गली में मिल जाएगा। जब तुम सीधा अंदर आओगे तो फिर आ जाओगे इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन और देख लो अंदर का इंटीरियर, लाजवाब है। और यहाँ के रिजल्ट देख के तो मतलब मजा ही आ जाएगा, ये देखो है ना। तो आ जाओ फिर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप इस वीडियो के थ्रू वहाँ जाते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, एंड गो फॉर इट, मजा आ जाएगा। हमारा पता है खानपट्टी रोड तिलका मांझी चौक भागलपुर, मोबाइल नंबर 6200643686। भागलपुर के लोहिया पुल के पास एक मिक्सर हैवा की चपेट में आकर 16 वर्षीय किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद प्राथमिक इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया। वहीं मायागंज अस्पताल में युवक की नाजुक हालत को देखते हुए उसे बेहतर उपचार के लिए डॉक्टर ने पटना रेफर कर दिया, लेकिन पटना जाते समय रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शान अहमद नामक युवक अपने दोस्त सादिक आमिर के साथ तिलका मांझी इलाके में सीसीटीवी कैमरा लगाकर हबीबपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान लोहिया पुल पर एक हाइवा ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक हाइवा के अंदर चली गई और शान के कमर पर पहिया चढ़ गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हादसे के बाद एक ट्रैफिक पुलिस ने किसी तरह शान को पहिए के नीचे से निकाल कर मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने शान की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए पटना PMCH रेफर कर दिया। वहीं परिजनों ने एम्बुलेंस पर पटना ले जाने के दौरान एक डॉक्टर देने की मांग को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद बरारी पुलिस को बुलाया गया। वहीं मृतक के दोस्त सादिक आमिर ने बताया कि उसने हेलमेट पहना था, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन शान ने हेलमेट नहीं पहना था। वहीं हादसे के बाद दुर्घटनाग्रस्त हाइवा का ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने हाइवा को जब्त कर पुलिस लाइन में सीज कर दिया है और हाइवा के माल की पहचान की जा रही है। जा रहे थे काम पे, साइड से ट्रक वाला आ रहा था। अच्छा। हम लोग साइड से ट्रक वाला आके डायरेक्ट हम लोग को हिट कर दिया। अच्छा। हिट करा तो हम लोग गिरे और डायरेक्ट ट्रक चला दिया तीर पर मेरे, तो हम हेलमेट पहने हुए थे तो हम साइड हट गए और वो जो था तो उसके कमर पर चढ़ा दिया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अयान। कहाँ के रहने वाले हो? मोहिउद्दीनपुर। मोहिउद्दीनपुर कौन थाना क्षेत्र पड़ता है? हबीबपुर। हबीबपुर। वो लड़का जो तुम्हारे साथ था,
वो तो मेरा दोस्त है, साथ ही काम ही करते हैं। अच्छा, क्या नाम है उसका? क्या नाम वो तो बता सकते हैं? शान है। तुम लोग कहाँ से आ रहे थे काम करके? हम लोग आ रहे थे तिलका मांझी से। तिलका मांझी से घटना कहाँ पर घटी? ये आपका उल्टा पुल। उल्टा पुल। भागलपुर के एक स्कूल में चौथी क्लास के छात्र की एक महिला ने पिटाई कर दी। दरअसल यह महिला एक दरोगा की पत्नी बताई जा रही है और उसने सीएस सब स्टेशन के पास वैन रोककर बच्चे की पिटाई की है। पिटाई के दौरान महिला ने बच्चों का वीडियो भी बनाया और उससे माफी भी मंगवाई है। वहीं महिला द्वारा की गई पिटाई से बच्चे की आँख और पेट में चोटें आई है। इस दौरान बीच बचाव करने पर महिला ने वैन ड्राइवर की भी पिटाई कर दी। इसके बाद पीड़ित बच्चों के पिता स्कूल प्रबंधन के पास पहुंचे और महिला के बेटे का स्कूल से नाम काटने की मांग की। वहीं स्कूल प्रबंधन ने महिला को कॉल किया लेकिन महिला स्कूल आने को तैयार नहीं हुई। वैन में सवार एक बच्चे ने बताया कि महिला ने वैन रोक कर नाम पूछा। जब एक अन्य बच्चे ने कहा कि उसने कुछ नहीं किया है तो महिला ने कहा कि तुम मेरे बच्चे को क्यों मारे, और फिर मुक्का और घुटने से प्रहार कर दिया। इधर मामले को लेकर पटना में तैनात दरोगा महेश कुमार ने कहा कि वे स्कूल प्रबंधन से बात करने के लिए तैयार हैं। इधर स्कूल प्रबंधन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित कार्रवाई की योजना बना रहा है और संबंधित अधिकारियों से विचार विमर्श कर रहा है। मारपीट कुछ नहीं हुआ था, वो मैं बैठा था आगे में और वो पीछे में बैठा था, और ना गाड़ी एक थोड़ा ऊपर से गया तो मैं उसको पीछे से गलती से धक्का लग गया, उसके बाद उसको माथे में चोट लग गया, उसके बाद वो मेरे कान में मार दिया, उसके बाद रोने लगा। सर मम्मी कैसे आई उसकी? उसकी मम्मी ही आई वहाँ से, और उसके बाद हम लोग वैन में जाने ही वाले थे घर कि वैन रुकवाई, और उसके बाद बोली हार्दिक राज कौन है, उसके बाद याद हम उतरे, हम यहाँ से हाथ उठाए, उसके बाद जयराज बोला कि हम कुछ नहीं किए हैं, हम कुछ नहीं किए हैं। उसके बाद जयराज को बुलाई, इधर आई और उसका कॉलर पकड़ के फाड़ के मार थाप मारी, उसके बाद ये जो भी बोलते बैंगल निकाल के अपने हाथ में ली और ऐसे ऐसे मार दी उसको, तुमको क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हमको पैर जी, हाँ पूरा मेरा नाम हार्दिक राज है। पैर से यहाँ पे मार दी, पैर से भी मारी है, और घुटना के बल, घुटना के बल ऐसे करके बैठवाई और सॉरी मंगवाई और वीडियो भी बनवाई। वीडियो में क्या बोलवाई तुमसे? कि हम गाली नहीं बोलेंगे और मारेंगे नहीं। जब तक खुद बोलता है, हाँ बहुत गंदा गंदा गाली बोलता है। हमारा भी सुबह हम तो बोले कि बच्चा कोई गाली गंदा गाली देता है, आके हमको सुनाया। तुम्हारा क्या नाम है? गुरुवार को जन अधिकार छात्र परिषद के पूर्व प्रदेश महासचिव बजरंग कुमार भगत को डॉक्टर गौतम कुमार द्वारा जान से मारने की धमकी देने के विरोध में पप्पू यादव के समर्थकों ने भागलपुर समाहरणालय के समीप डॉक्टर का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग भगत ने बताया कि शुक्रवार को वे अपने फूफा जी को तिलका मांझी थाना के पास स्थित डॉक्टर गौतम से दिखाने गए थे, जिसके बाद डॉक्टर ने कुछ जांच लिखी और परिचित पैथोलॉजी में जांच कराने के लिए 2,000 रुपये मांगे। बजरंग ने कहा कि बाहर यह जांच 1,000 में होती है। इस पर डॉक्टर और उनके स्टाफ ने बहस शुरू कर दी। वहीं जब डॉक्टर से मिलने गए तो इस दौरान वहां मौजूद अनजान लोगों ने उन्हें धमकी देना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि घटना की शिकायत तिलका मांझी थाने में की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं प्रदर्शन के दौरान जन अधिकार छात्र परिषद के पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष सत्यम वर्मा ने बताया कि यह विरोध प्रदर्शन पप्पू यादव के छात्र नेता को धमकी दिए जाने के खिलाफ किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं की गई और अस्पताल का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया तो हजारों समर्थक सड़क पर उतरेंगे। इस दौरान अभिषेक कुमार, प्रियांशु यादव, सौरभ संगम, राहुल कुमार, गौतम कुमार, रणविजय कुमार, मोहम्मद साद आलम, दिवाकर कुमार सहित दर्जनों छात्र नेता उपस्थित रहे। गौतम कुमार के यहाँ कुछ पेशेंट गए थे दिखाने के लिए, लेकिन उनका कहना है वो कुछ रिपोर्ट लिखे थे अल्ट्रासाउंड, जो अल्ट्रासाउंड बाहर में 700 में हो जाता है, गौतम कुमार कहते हैं वो हमारे यहाँ कराना होगा, जो उसका प्राइस 2,000 बताते हैं। अगर उनका प्राइस 2,000 फिक्स है तो वो 200 कम क्यों? और पेशेंट को स्वतंत्र रहना चाहिए कि वो कोई भी जाँच कहीं भी करा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर गौतम कुमार का कहना है कि वो जाँच मेरे यहाँ होगा तभी मान्य होगा। जब इसका विरोध पप्पू यादव के समर्थक ने किया तो उनका कहना है कि मैं उनको गोली मार दूंगा,
और वो अपने दराज से कुछ हथियार निकाले जो उनके सीसीटीवी फुटेज में है, और हमारे फोन में ऐसे कुछ रिकॉर्ड है जो गाली गलौज करते हुए। पप्पू यादव का समर्थक कमजोर नहीं है, अभी सड़क पर सिर्फ छात उतरे हैं, अभी पप्पू यादव के बहुत समर्थक सड़क पर उतरना बाकी है। डॉक्टर गौतम कुमार के कारण बहुत सारे डॉक्टर लॉबी बदनाम हो रहे हैं, कुछ डॉक्टर के कारण पूरे डॉक्टर को बदनाम किया जा रहा है।